President Narendra Modi celebrated with great pomp at the famous Ajmer Sharif Dargah of Rajasthan. On this occasion, the Dargah was decorated with special decorations. Prayers were offered for the long life of PM Modi at Ajmer Sharif Dargah, and Langar was prepared in the 550-year-old cauldron of the Dargah and distributed among the people. जहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे सुबह के 3 बजे का वक्त है और लंगर तकसीम होना शुरू हो गया है। जितने भी जायरीन दरबार में हैं उनको यहाँ पे बिठा के लंगर तकसीम किया जा रहा है और दुआओं के साथ, और ये बहुत खुशी का मौका है कि बारगाह गरीब नवाज में जिस तरीके से पिछले 550 सालों से बड़ी देग का लंगर तकसीम किया जाता है, आज उसी देग में बारगाह गरीब नवाज में जो सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के ऊपर, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन के इनिशिएटिव को यहाँ पे एक सेवा के लिए जितने भी जायरीन हैं उन तक ये लंगर खिलाया जा रहा है, और इसके साथ साथ आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पे भी लंगर भिजाया जाएगा। अजमेर दरगाह शरीफ से बारगाह से खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज सदियों से ये पैगाम देते आ रहे हैं खिदमत खल्क का, क्योंकि गरीब नवाज ने भी यही फरमाया कि अगर हमें उस रब के करीब पहुँचना है तो अपने किरदार में कुदरत की 3 सिफात को उतार लें, सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाजो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पे लंगर तकसीम हुआ है और इसका क्रम चलता रहेगा यहाँ पे सुबह तक, और जितने भी जायरीन दरबार में उन सबको यहाँ पे लंगर दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम दुआ करते हैं हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, जान और सलामती के लिए, हमारे देश की तरक्की हो, पूरी दुनिया में नाम रोशन करें, और हम ये दुआ करते हैं बारगाह गरीब नवाज से कि तमाम जो हमारे देशवासी हैं देश के परचम को पूरी दुनिया में फहराएं अपने काम और अपने किरदार से। पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है इस वक्त, जिस तरह यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक जश्न मनाया जाता है, अनेकता में एकता का ये पैगाम जितने भी हमारे आध्यात्मिक तल हैं, बारगाहें हैं, दरगाहें, वहाँ पे नुमाया होता है, देखने को मिलता है। इसी तरह इसीलिए शुद्ध शाकाहारी लंगर 800 सालों से दरगाह अजमेर शरीफ में दिया जा रहा है, और हम यही दुआ करते हैं कि सिलसिला चलता रहे, हमारे देश से पूरी दुनिया में पैगाम जाता रहे अमन, प्यार, मोहब्बत का। एक बार फिर सेवा पखवाड़ा के लिए पूरे देश के अंदर जितने भी वॉलंटियर्स में सेवा कर रहे हैं उन सबकी भी दुआएं, उनकी सेवा कबूल हो, हम दुआ करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बारगाह गरीब नवाज से बुलावा होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी अजमेर दरबार शरीफ जी बहुत तशरीफ भी लाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि पैगाम मोहब्बत, पैगाम अमन इस बारगाह से जाता है, और यही पैगाम पीएम नरेंद्र मोदी साहब भी अपनी जानिब से हमेशा से देते रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास। तो हम उन्हें अजमेर शरीफ की भी दावा देते हैं। Thank you.